नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वतंत्र जैन, 74 इयर्स ओल्ड, पिछले 20 साल से इस इंटरनेट के ज़माने में देश विदेश के लोगों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल के द्वारा कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी गांव में बैठा हुआ है, अगर उसको कोई भी तरह की बीमारी है, परेशानी है हेल्थ की तरफ से, तो वो मेरे को कांटेक्ट करते हैं और मैं उनको उपचार बताता हूँ। सर, अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने थोड़ा सा, तो आप पहले इंजीनियर थे जितना पता चला है, उसके बाद में आप इस फील्ड में आए डॉक्टरी फील्ड, तो सर कैसे टर्न किया, आपको शेयर करेंगे? मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी MSET भोपाल से, जो कि एक रीजनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से 1971 में बी इलेक्ट्रिकल की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कुछ समय में इरिगेशन और PWD मध्य प्रदेश में कार्यरत रहा, और फिर मैंने अपने ब्रांच के अनुसार मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर हर जगह कोई भी समस्या आती थी किसी भी तरह की इंजीनियरिंग फील्ड की, तो मुझे बुलाया जाता था, और मेरी कोशिश हमेशा रही है कि वो समस्या परमानेंटली ख़त्म हो जाए, तो मैं उसके लिए उपाय सजेस्ट करता था और ध्यान देता था कि वो आगे दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं हो। ये मेरा नेचर है। सर, दो फील्ड दोनों अलग अलग है, इंजीनियरिंग की अलग फील्ड है और डॉक्टरी की अलग फील्ड है। डॉक्टरी में भी आप एजुकेशन अलग तरह से हासिल करते हैं, अलग तरह से पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग का अलग है, तो कैसे, कितना मुश्किल था ये आपके लिए कि इंजीनियर से डॉक्टर का शेयर? जी, मैं इंजीनियरिंग में अपना बेस्ट आउटपुट दिया मैंने हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी रहा हूँ और लोगों की भलाई करने की मेरे अंदर भावना थी। इंजीनियरिंग में तो मशीनों से जूझना पड़ता था, तो मेरा ये कोशिश रही मेरी कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो उसको कैसे दूर करें। तो मैंने प्राकृतिक चिकित्सा अल्टरनेटिव मेडिसिन में MD की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की, और उसके बाद मैंने लोगों को ट्रीटमेंट चालू किया। कई तरह के उस समय अपने इंजीनियरिंग के कार्य करते हुए भी कुछ ऐसे टिपिकल केस आए जिसमें लोगों को मैंने लाइलाज बता दिया था, उनको भी मैंने दवाई दी और वो ठीक हो गए। तो मैंने सोचा कि भाई, अब चूंकि वहाँ बंदिशें रहती है, आप इंजीनियरिंग का काम भी बहुत टफ होता है और 12 से 15 घंटे हम लोगों को दिन रात लगे रहना पड़ता था, तो मैंने कहा भाई मैं अपना सब कुछ कर चुका हूँ, अब मेरे को इंजीनियरिंग में और कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को लोगों के लिए, भलाई के लिए एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे उनको घर बैठे ही उपचार मिले। तो बचपन में हर किसी का एक गोल होता है, आपके क्या दो गोल थे कि मेरे को इंजीनियर भी बनना है या डॉक्टर, या किसी ने आपको इंप्रेशन, या आपका किसी ने इंप्रेशन? देखिए, मेरा सिर्फ बचपन से एक ही उद्देश्य रहा है, लोगों की भलाई। तो जब आप डॉक्टरी फील्ड में हैं, तो ये किस तरह का ट्रीटमेंट, क्या मेडिसिन, इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करिए कि लोगों की किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि कितना इलाज में कितना महंगा इलाज हो गया है, कितना खर्च होता है, अगर किसी को बड़ी बीमारी लग जाए तो पॉसिबल नहीं होता है कि वो बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा पाए, तो उसका क्या है कुछ? मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि स्वस्थ रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
भगवान ने आपको स्वस्थ रहने के लिए ही पैदा किया है। आप बीमार भी होते हो तो अपनी गलतियों से, अपनी असावधानियों से। एक सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर आप नहीं चलोगे तो आप बीमार होगे। और हमारे डॉक्टर लोग जो दवाइयाँ देते हैं, कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट, अब वो भी क्या करें। हमारे माननीय डॉक्टर इतनी मेहनत करते हैं फिर भी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। और मजबूरी है कि बीमारी ठीक करने के लिए दवाई देना भी पड़ती है, तो वो मजबूरी में जो दवाई देते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से दूसरी बीमारी होती है, दूसरी बीमारी से तीसरी बीमारी होती है। एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं आप। हम सरल तरीके से उस चक्रव्यूह से आपको निकालते हैं। कैसे? कि हमारा सिद्धांत है बीमारी का उपचार नहीं, हम व्यक्ति का उपचार करते हैं, हम मानव का उपचार करते हैं, हम बीमारी का नहीं करते। हम मानव को ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसकी तकलीफें क्या है। कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों को, जबकि लोग दूर से भी डॉक्टर डरते थे और कहते थे कि भाई आप हॉस्पिटल में चले जाओ, हम वो आते थे सामने, हम भी डिस्टेंस मेंटेन करते थे, डिस्टेंसिंग का पालन कर, लेकिन उनकी शक्ल देख के हम समझ जाते थे इसको तकलीफ़ क्या है। और उनकी तकलीफ उनसे पूछते थे, आपको क्या परेशानी हो रही है, वो परेशानी बताते थे, उस परेशानी के हिसाब से उस परेशानी को दूर करने का हम उपाय बताते थे, उनकी बीमारी अपने आप ठीक होती थी। छोटे छोटे बच्चों को, आज न्यू बोर्न बेबी को भी डॉक्टर लोग सीरिंज इंजेक्शन दे देते हैं। हमने जो हमारा सिस्टम बनाया है उसमें हम उसकी माँ को दवाई देते हैं, छोटे बच्चे को कभी दवाई नहीं देते। माँ को दवाई देंगे, उससे दूध से माँ के बच्चे में आ जाएगी और ठीक होते हैं। ये जो व्यक्ति का उपचार बताया, ये किस तरह का उपचार है? सिंपल है ना, इसीलिए तो मैंने कहा बहुत सरल है हमारा तरीका। हमने इसीलिए जो हमारे YouTube पे वीडियो डाले हैं, डॉक्टर स्वतन जैन सर्च करेंगे तो आपको हमारे हिंदी में 16, इंग्लिश में 16 वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन ये जो हेल्थ रिलेटेड है, इनमें से आप अगर इन चैलेंज को अपनाते हैं तो आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे। हमें किसी को स्वस्थ रहने के लिए आपको किसी की मदद ही नहीं लगेगी। और फिर अगर कोई बीमारी है मान लीजिए आपको, तो आप जो है उस बीमारी का सिंपल हम ट्रीटमेंट बताते हैं, वो आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। बेसिकली दवाइयों से दूर रहने के लिए फिटनेस का होना ज़रूरी है। दवाइयों से दूर रहने, तो वो फिटनेस नहीं, हमारा ये कहना है कि देखिए आपके शरीर संचालन के लिए ज़रूरी है कि 2 से 3 मिनट आप सूर्य नमस्कार, हमारा जो चैलेंज में बताए गए अनुसार चिड़िया चाल और सूर्य दर्शन आदि करें। इससे आपके अंदर जो टॉक्सिन भरे हुए हैं वो अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। क्योंकि आज हवा में टॉक्सिन है, पानी में टॉक्सिन है, सब्जी में टॉक्सिन है, फल फ्रूट में टॉक्सिन है, टॉक्सिन से आप बच कहाँ रहे हैं? वो सब तो अंदर जा रहे हैं और उसका परिणाम ये होता है कि किसी में ज़्यादा टॉक्सिन इकट्ठे हो गए तो फिर विस्फोट हो जाता है, पता चला चलते चलते कोई व्यक्ति गिर जाता है और मर जाता है। दुखद होते हैं वो ऐसी घटनाएं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हो, इसलिए टॉक्सिन को निकालना रेगुलर ज़रूरी है। तभी आपकी अंतरंग की जो इम्यूनिटी है वो जागृत होगी, वो फुल फ्लैश काम करेगी और आपको सब बीमारियों से बचाएगी। सर, 140 करोड़ की आबादी है तकरीबन इस देश की, तो कितना मोटिवेशन कर पाएंगे, कितना लोगों को अपने साथ में जोड़ पाएंगे, इसकी क्या तैयारी की है आपने? हमारा आंदोलन विश्वव्यापी है। हम 700 करोड़ लोगों को लेके चल रहे हैं, हम 140 करोड़ को नहीं, पूरा विश्व हमारा एक ग्राम है। हम ये मानते हैं द होल वर्ल्ड इज वन विलेज। उसके लिए हम सभी लोगों के लिए, विश्व के सभी लोगों के लिए हम
प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई इन वीडियोस को अपनाइए, फिर आपकी जो समस्याएं हैं उनको बताइए। हर तरह की बीमारी, पिछले 20 साल में मैंने हर तरह की बीमारी का उपचार किया है, कैंसर से लेके जो लाइलाज है, और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर जो चले हैं उनकी सब बीमारी की दवाई भी छूट गई है, बीपी की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की, सबकी बीमारी की दवाई भी छूटी है। लेकिन सिस्टम से चलना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे जाती है, जब उनका सब नॉर्मल आता है तभी मैं दवाई बंद करवा पाता हूँ। सर, जुड़ने का माध्यम क्या है आपसे? अब आपने ब्राह्मण की बात कर दी है साथ, तो आपसे कैसे जुड़े लोग? आपने इसके सेंटर्स बनाए हैं, ऑफिस बनाए हैं, या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही है? देखिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप से, ये हमारा उद्देश्य ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। विश्व में किसी को भी, हर आदमी को मैं ट्रीट नहीं कर सकता। आज मैं अगर दिन रात लग भी जाऊंगा तो 500,000 लोगों को रोज़ ट्रीट कर पाऊंगा, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को समस्या है, उन सबका समाधान अपने को यहाँ करना है। तो हमें एकमात्र सोशल मीडिया ही एक ऐसा साधन मिलता है जिसके द्वारा हम अपनी बात YouTube पे रख सकते हैं, उनको मार्ग दिखा सकते हैं। वो चलेंगे तो निश्चित लाभ होगा, फिर क्या होगा कि 10% लोग बचेंगे। 700 करोड़ में अगर उसको अपनाते हैं तो मात्र 10% ऐसे बचेंगे जिनको मेरे पास आना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। उन काउंसलिंग के लिए हम ऐसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट पॉइंट बनाएंगे, फिर हमने काउंसलिंग के सेंटर बनाएंगे। लेकिन ज़रूरत आपको पड़े ही नहीं किसी के पास जाने की, ये हमारा मिशन है। क्या आप, ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है कि मैं लोगों का उपचार करूं, उनको जो है, मैं चाहूँगा कि वो आए ही नहीं उपचार के लिए मेरे पास। ज़रूरत क्या है? स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ये हमारा उद्देश्य है, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और हम ऐसे सेंटर भी बना हर देश में, जैसे अभी हमने हिंदी में और इंग्लिश में अपने वीडियोस डाले हैं, इसके बाद हम कुछ और रीजनल भाषाओं में हमारे हिंदुस्तान की डालने वाले हैं, फिर हम वर्ल्ड की हर बड़ी भाषा में अपने वीडियो डब करके डालेंगे, ताकि वहीं लोग, हर लोग लाभ उठा सके, हर व्यक्ति लाभ उठा सके। सरल है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप सूर्य शक्ति ग्रहण करते हैं किसी भी माध्यम से, तो आप अगर भोजन में कमी भी कर लेंगे तो आपको कोई अशक्ति नहीं होगी। खाना जितना खाते हैं, अगर आप सूर्य दर्शन कर रहे हैं तो आप अपना खाना धीरे धीरे कम करके आधा भी कर देंगे तो आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी, आप भरपूर काम कर पाएंगे। और ये जो अनाज बचेगा, ये जो साधन बचेंगे, इसके द्वारा और लोगों को हम भोजन प्राप्त करवा सकते हैं। विश्व की खाद्य समस्या का समाधान भी इससे होगा। और इसीलिए तो हमारा मिशन का अगला चरण जो आएगा वो यही है कि हंगर फ्री वर्ल्ड, लोगों को सब तरह की, देखिए विश्व में शांति, आज विश्व में शांति के लिए हम आज का दिवस मना रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होगी? भूखे पेट से आप कहोगे कि शांति रखो, कैसे रखेगा भाई? वो हमें सबके लिए सोचना है, सबके लिए प्रयत्न करना है, और इसमें आप सभी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सब लोग इस बात का अधिक से अधिक प्रचार कीजिए, और ये प्रूवन है जो हमने मार्ग बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने अपना एक दो साल की कोशिशों या प्रैक्टिस के बाद ये मार्ग निकाला, नहीं, ये हमने पिछले 40 साल से जो हम लोगों को उनकी बीमारियों में मदद कर रहे हैं, निरोगी होने में मदद कर रहे हैं, उनको हर तरह का सुखी रहने का मार्ग बता रहे हैं, उसका परिणाम है। और ये प्रूवन मार्ग है, और इसके द्वारा हमने हजारों नहीं, बहुत लाखों लोगों ने बहुत सी बीमारियों से मुक्ति पाई है। तो ये एक सरल तरीका है। हम चाहते हैं आप बेस्ट अपना काम में दें, हम चाहते हैं कि आप अपना घर का लालन पालन अपने परिवार का अच्छी तरह से करें, हम चाहते हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में, नौकरी में अधिक से अधिक आउटपुट दें।
तभी तो आप संतोष से रह पाएंगे, और नहीं तो आप टेंशन में रहेंगे, अशांति होगी, नींद उड़ेगी, पता चला बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा, पता चला कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। सरल तरीका है, अपने अंदर टटोलिए और देखिए कि आपको जो मानवीय गुण हैं हमारे, संतोष, दया, प्रेम भाव, अपनत्व, परोपकार, अगर ये आपके अंदर हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर आपको गुस्सा आने लगा, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि जल्दी ही आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या गंभीर हार्ट की बीमारी हो सकती है। आप अपने अंदर टटोलिए, बीमारी आपका स्वभाव नहीं है, स्वस्थ रहना ही आपका स्वभाव है। और स्वस्थ रहने के लिए जो भी मदद चाहिए, हम तत्पर हैं, हमारी टीम तत्पर है उसे हमेशा प्रदान करने के लिए। नमस्कार। लास्टली कि एक तो विज़न आपका, और दूसरा ये कि कितने लोगों को आपने अपने साथ में अब तक जोड़ चुके हैं, कोई आंकड़ा है आपके पास में? और इससे सही हो के किसी ने थैंक्स या कोई मेल या कोई मैसेज आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और आपका लास्टली विज़न? आप जो है फेसबुक पे मेरा पेज है डॉक्टर स्वतंत्र जैन मुक्तिया, वहाँ चले जाइए, वहाँ बहुत से कमेंट आए हुए हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। प्लस लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने मेरे को लिख के दिया है, कई लोगों ने तो ऐसा भी लिख के दिया है कि आपके कारण मेरे जीवन बचा है, क्योंकि मैं तो आत्महत्या का सोच रही थी, लेकिन आपने उपचार किया, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कई लोगों ने कहा पूरे गाँव का इलाज हम आपके माध्यम से करते हैं, सबको मतलब हम छोटी मोटी आप जो बताते हो दवाइयाँ रख लेते हैं और उनको सिस्टम बताते हैं, उसके द्वारा वो स्वस्थ हो जाते हैं। बहुतों ने हाई ब्लड प्रेशर लिख के दिया है, उन्होंने पोस्ट भी डाली है फेसबुक पे, बहुत सारी पोस्ट ऐसी मिल जाएगी कि भाई डॉक्टर साहब ने हमें पूरी तरह से ठीक कर दिया। एक महिला, उसका बीपी जो है 190-120 चलता था, अब उसने कांटेक्ट किया कि साहब मेरे को तो बहुत परेशानी हो रही है, अब 190-120 माने कोई भी डॉक्टर समझ सकता है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है। उसको मैंने बताया और उसको समझाया कि भाई इस तरह से आप दवाइयाँ लो, और एक महीने के अंदर उसका नॉर्मल हो गया, और 3 महीने के अंदर सभी तरह की उसने दवाई बंद कर दी, और आज वो पिछले 2 साल से बिल्कुल ब्लड प्रेशर से मुक्त हो चुकी है। उसके खुद के हस्बैंड को देहरादून में रहती है महिला। की अगर बात करें तो क्या है विजन की, अगर आप बात करें काय की, आपके विजन की अगर बात करें, क्या अभी सोचा हुआ है आपने, क्या किस पैमाने तक लेके जाना है? मेरा विजन और मिशन वो ये है कि मैं प्रथम चरण में जो मैंने वीडियोस डाले हैं चैलेंज के माध्यम से, तो प्रथम चरण में मैं चाहूँगा कि मेडिसिन फ्री वर्ल्ड की रचना कर पाऊँ। 800 करोड़ लोगों में कोई भी बीमार ना हो, और बीमार हो तो सरल तरीकों से स्वस्थ भी हो जाए। दूसरे चरण में मेरा उद्देश्य है कि मैं हंगर फ्री वर्ल्ड के लिए प्रयत्न करूं, कहीं भी कोई भी भूखा नहीं रहे। ये हमारे जो चैलेंज हैं उनमें, जैसे हमने सूर्य जल और सूर्य दर्शन बताया है, ये अगर अपनाते हैं तो आज हजारों लाखों लोग अगर इसे अपनाते हैं तो स्वयं तो स्वस्थ होंगे ही, साथ ही वो धीरे धीरे अगर अपना भोजन कम करते चले जाएंगे तो उस बचे हुए भोजन के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को भोजन मिल पाएगा, पौष्टिक भोजन अगर वो प्राप्त करेंगे तो वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये मिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमारे। अगर किसी को खाना ही नहीं मिलेगा और वो कुछ भी खा लेगा तो वो स्वस्थ कैसे होगा? तो हमें उनको पौष्टिक भोजन भी देना है, उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। और विश्व में शांति रहे, विश्व में समता भाव रहे, आज वर्ल्ड पीस डे है, तो इसलिए मेरा ये भी एक मिशन है कि जिस तरह
सूरज चांद किसी मानव में भेदभाव नहीं करते हैं, सबको शक्ति प्रदान करते हैं, हवा सबको ऑक्सीजन प्रदान करती है, पेड़ पौधे नदियां सबको अपना जल और फल और अपनी वनस्पति देते हैं। तो इसी तरह से एक मानवता है, हम सब मानव हैं, तो हमारी जात मानव, मानवत्वता ही हमारी जात है। मानव धर्म का सब लोग अगर पालन करते हैं तो इस विश्व में शांति आएगी, समृद्धि आएगी और सभी लोग खुशहाल हो सकेंगे। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम इन सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में इस मिशन की स्थापना कर सके। लास्टली, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन, इन लोगों के पास वक्त बहुत कम होता है, टाइम कम, उन लोगों को कैसे अपने साथ में जोड़ेंगे कि मोटिवेशन के तौर पे, एक्सरसाइज के, उन लोगों को कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में? हमारा सिस्टम ही ये कहता है कि आप सिर्फ 5 मिनट निकालिए अपने लिए और उस 5 मिनट में कोई भी 2 या 3 चैलेंज करिए, बाकी आप भरपूर काम करिए। हम तो सभी लोगों के लिए, आप अपना बेस्ट आउटपुट दीजिए, चाहे आप सेलिब्रिटी हों, चाहे आप राजनेता हों, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे आप ऑफिसर हों, चाहे आप मैनेजमेंट संबंधित कार्य देख रहे हों, कोई भी कार्य कर रहे हो, सब कार्य में आप बेस्ट आउटपुट दीजिए। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और वो देखिए अपने लिए निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप 15 मिनट दवाई खाने में व्यतीत करेंगे तो 5 मिनट अपने डायरेक्ट एक्सरसाइज जो बताए हुए चैलेंज को स्वीकार करने में आपको परेशानी होना भी नहीं चाहिए। मेरा सभी सेलिब्रिटीज से भी निवेदन है, सभी हमारे जो राजनेता हैं, और मैं अपने मिशन के लिए सब राजनेताओं से, हमारे प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से और विश्व के सभी प्रमुख अधिपति हैं, राष्ट्रपति हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि भाई इस मिशन को आगे बढ़ाएं, विश्व में शांति हो, सुख समृद्धि हो, बस यही हमारा प्रयत्न है और हम सबको मिलकर ही यह कार्य करना है। नमस्कार। लास्टली, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के दर्शकों के जरिए या जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह मेरा नारा है, स्वस्थ रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए प्रयत्न आपको ही करना पड़ेगा। मैं हर तरह से आपके साथ जुड़ा हूँ, हर तरह से मदद करूँगा, लेकिन मेरे इस चैलेंज को अपनाकर आप अपने स्वस्थ रहने के अधिकार को पा सकेंगे। किसी भी तरह की बीमारी आपके पास फटक ही नहीं पाएगी। बस समस्त संसार में समस्त मानव स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध हों, इसी के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ और इसी के लिए आप सबसे भी सहयोग चाहता हूँ कि मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, लोगों तक फैलाएं और एक सुखी समृद्ध समाज की रचना करें। नमस्कार। थैंक यू सो मच।